आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। विंध्य क्षेत्र की शान व राज्य के एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में अंतसरणी बॉक्सिंग प्रतियोगिता पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कैडेट्स ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्य अतिथि राजेंद्र शुक्ला का स्वागत किया। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा विद्यालय में नवनिर्मित यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया और फिर अंतर्सर्जनीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता निर्णायक मुकाबले आरंभ हुए, जिसमें कैडेट्स ने अत्यंत जोश व उत्साह के साथ भाग लिया। सभी मुकाबले अत्यंत रोमांचक रहे। इसी क्रम में स्कूल की गर्ल्स कैडेट्स ने मार्शल आर्ट्स की भी प्रस्तुति दी, जो कि अत्यंत रोमांचकारी व जोश भरी थी। प्रतियोगिता में विजेता बेतवा सदन और उपविजेता चंबल सदन रहा। मुख्य अतिथि राजेंद्र शुक्ला ने अपने उद्बोधन से सभी प्रतिभागियों व प्रदर्शनकारियों की प्रशंसा की व विजेताओं को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने सैनिक स्कूल द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की सराहना की एवं भविष्य में आवश्यक सहयोग देने का आश्वासन दिया। राजेंद्र शुक्ला ने सभी कैडेट्स के खेल भावना व कोच के प्रति सम्मान की विशेष रूप से प्रशंसा की, साथ ही देश सेवा को सर्वश्रेष्ठ सेवा बताया। हम आपको बता दें कि सैनिक स्कूल रीवा में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 3 दशकों के बाद किया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कैडेट्स के अंदर शारीरिक व मानसिक दृढ़ता का विकास करना है। शिवम इसके लिए मैं यहाँ के प्रिंसिपल को बधाई देता हूँ, क्योंकि आर्मी में बॉक्सिंग का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। जो बच्चे स्कूल से फिर एनडीए में जाते हैं डिफेंस एकेडमी में, तो वहाँ पर तो उन्हें बॉक्सिंग के लिए का कोर्स करने पड़ता है। तो शुरुआत में ही स्कूल में ही जो 30 वर्षों से नहीं चल रहा था बॉक्सिंग का कोर्स, सेकेंड क्लियर द रिंग, वो शुरू होना निश्चित रूप से अच्छा कदम है खेलों के लिए।